स्मार्ट सिटी बेलगाम में बस स्टॉप जंग लगकर खराब हो गए जो लोग इस बात से खुश हैं कि बेलगाम स्मार्ट सिटी के लिए कुंदनागरी का चयन किया गया है उन्हें यह कहानी अवश्य देखनी चाहिए सैकड़ों करोड़ रुपए के अनुदान से भले ही बेलगाम स्मार्ट बनता जा रहा है लेकिन यह बस स्टैंड जनता के लिए खतरनाक हो गया है यह बस स्टॉप कहाँ है इस कहानी को देखें हाँ अब आप जो देख रहे हैं वह स्मार्ट सिटी बेलगाम में जंगू बरा बस स्टैंड है इसे बेलगाम का पहला बस स्टैंड कहा जाता है बेलगाम सीबीटी से बस के निकलते ही यह पहला पड़ाव है सीबीटी से आरटीओ सर्कल के माध्यम से आने पर किला तालाब सड़क किनारे पर यह पहला बस स्टॉप है बस स्टॉप की यह अराजक दीवार यात्रियों की शरणस्थली नहीं बल्कि रोगग्रस्त है इसकी छत जर्जर है अब इसका फ्रंट बोर्ड क्षतिग्रस्त हो गया है और किसी भी क्षण नीचे गिरने की कगार पर है इस बस अड्डे पर यात्रियों के बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है इसलिए जिन यात्रियों को इस मार्ग से यात्रा करनी होती है उन्हें ट्रैफिक सिग्नल के नीचे रुककर बस पकड़नी पड़ती है इस पहले बस स्टॉप को लेकर नाराजगी जताने वाली जनता ने बस स्टॉप पर अव्यवस्था की बात कही यात्रियों की शरणस्थली मानी जाने वाली यह बस स्टॉप अब जनता के लिए खतरा बन गई है इस गड़बड़ी को जल्द से जल्द ठीक किया जाना चाहिए नहीं तो इस बस स्टैंड को हटा दिया जाना चाहिए अन्यथा जनता ने अनुरोध किया है कि इससे किसी भी यात्री को खतरा होने की अधिक संभावना है सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से बेलगाम स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकास का दावा करने वाले नेताओं को एक बार और सभी के लिए इस गड़बड़ी का सामना करने की जरूरत है लोगों को यह समझने की जरूरत है कि स्मार्ट सिटी उपयोग में है न कि सरकारी दस्तावेजों में सभी की इच्छा है कि संबंधित अधिकारी इस गड़बड़ी को सुधारें और यात्रियों को सुविधा प्रदान करें देखिए वन विभाग की लापरवाही से यह पेड़ अनाहूत का इंतजार कर रहा है हाँ इस विशाल एकाकी पेड़ को देखो पर्यटक आओ मैं तुम्हारे जीवन के साथ खेलने के लिए तैयार खड़ा हूँ मेरे हाथ मुझे बुला रहे हैं आओ कुनाकी कोपा कोप्पा के पास नंदगढ़ से बेदी की ओर जा रहे हैं वन विभाग जिसे मुझे काटना है और बचाना है यात्रियों का जीवन दिव्य मौन होने पर मुझे क्या करना चाहिए मुझ में ऊर्जा हवा बारिश में कम हो जाती है ऐसा लगता है कि पेड़ सोच रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसे यात्रियों के जीवन के साथ खेलने की अनुमति है लेकिन वन विभाग के अधिकारी ही ऐसे पेड़ों की पहचान करते हैं और उन्हें उचित तरीके से व्यवस्थित करते हैं वे चुप हैं जनता नाराज है यह पेड़ खानापुरा वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है यह नंदगढ़ उपक्षेत्र में आता है लेकिन केवल वन विभाग के अधिकारी उपेक्षा का रवैया अपना रहे हैं भोरुंग की ग्राम पंचायत सदस्य एम साहूकारा ने अपनी कार के साथ हुए हादसे की जानकारी देते हुए वन विभाग के अधिकारियों से आंखें खोलने की अपील की है